वेलकम बैक टू दीपक एंड रोहित क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये आपकी वोकैबुलरी वीडियो है। इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेगी, बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल। जैसे आपने देखा होगा, हिंदी में बोलते हैं जमीन आसमान एक करना, किसी भी काम को करने के लिए जमीन आसमान एक करना। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसको बोलते हैं हम मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है जमीन आसमान एक करना। और इसका मतलब वैसे हिंदी में अगर आप करते हैं प्रॉपर हिंदी में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा कोशिश करना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना किसी भी चीज को पाने के लिए या करने के लिए। चलो इसको एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। सो सबसे पहला एग्जांपल है, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा इंग्लिश सीखने के लिए। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू लर्न इंग्लिश। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू लर्न इंग्लिश, इजीली बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो जमीन आसमान एक कर देगा जो ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। वो जमीन आसमान एक कर देगा इंटरव्यू क्लियर करने के, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? He will move heaven and earth to nail the interview. He will move heaven and earth to nail the interview. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम जमीन आसमान एक कर देंगे आपकी मदद करने के लिए। We will move heaven and earth to help you. We will move heaven and earth to help you. इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा सक्सेसफुल होने के लिए। I will move heaven and earth to be successful. I will move heaven and earth to be successful. बन गया इजीली। अब इसकी एग्जांपल और आप बनाना और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, सर ने आप लोगों को एक वर्ड दिया जमीन आसमान एक कर देना, जिसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना किसी चीज के लिए, जो भी आपका मिशन है, आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए। मैं आपको एक वर्ड और देता हूँ, खून पसीना एक करना। इसका भी सेम मतलब है, वही मतलब है कि बहुत मेहनत करना, अपना सपना पूरा करना, किसी भी चीज में एफर्ट डालना। अब हिंदी में तो अलग अलग वर्ड्स हैं, इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड्स हैं। इंग्लिश में सर ने आपको बता दिया जमीन आसमान एक करने को, खून पसीना एक करने को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्ट्रेन एवरी नर्व टू डू समथिंग। खून पसीना एक करना कुछ करने के लिए, स्ट्रेन एवरी नर्व टू डू समथिंग। चलो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में घर खरीदने के लिए खून पसीना एक कर दूंगा, हम इसे कैसे बोलेंगे? बहुत लोगों का सपना होता है दिल्ली में घर खरीदना। आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व टू बाय अ हाउस इन दिल्ली। आई विल स्ट्रेन Every nerve to buy a house in Delhi. हम इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए खून पसीना एक कर देंगे, इसे कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में? We will strain every nerve to win this competition. We will strain every nerve to win this competition. Donald Trump इलेक्शन जीतने के लिए खून पसीना एक कर देंगे, अमेरिका में आने वाले इलेक्शन, तो हम इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Donald Trump will strain every nerve to win the election. Donald Trump will strain every nerve to win the election. Last example दोस्तों, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए खून पसीना एक कर दूंगा। I will strain every nerve to fulfill my dreams. सपने पूरे करने को हम fulfill बोलते हैं, fulfill dreams, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी, आई होप ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आने वाली वीडियोस में भी हम काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, छोटे बच्चों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।